चार दिन से तुम क्या के बीबी के पास सोए हुए थे क्या? कहा चार दिन से गाज गिर गया था, अभी बोले तो कहने की चालू हो गया, अभी तुरंत चालू हुआ तो एसी को बोलने के बाद चालू होता है। आपकी जिम्मेदारी क्या है? जिस पैसे पर जनता का अधिकार है वो पैसा दलाल माफिया अपराधी पदाधिकारी अंतरी मंत्री संतरी खा जाते हैं। बाढ़ की स्थिति बहुत विदारक है, इस क्षेत्र को बाढ़ प्रभावित घोषित अविलंब मुख्यमंत्री जी को करना चाहिए। सूखा राशन अभी सबसे ज्यादा काम करेगा। एलपी साहब बात कर रहे हैं। हेलो, हम अभी हैं कोसकीपुर में, सिमराहा में, नंदगोला में, डुमरी में। क्या बात है, कहीं भी आपने राशन अति सूखा अति पैकेटिंग नहीं भेजा? अभी तो हम यहाँ पर अभी हम सिमराहा में हैं, आप 400 वहाँ के पूर्व सरपंच 400 आप पैकेट दे रहे थे। यहाँ कोई घर ही नहीं है जो प्रभावित नहीं है। कम्युनिटी किचन क्यों नहीं शुरू हुआ इस इलाके में? बाबू बाढ़ प्रभावित क्षेत्र तो घोषित, कुर्सेला भी नहीं है तो कम्युनिटी किचन कैसे चल रहा है? कल से कैसे हम चलवा रहे हैं कुर्सेला में? क्या बात आप कर रहे हैं? अभी डीएम ने कहा सर कि हम 40 लोग कम्युनिटी किचन शुरू किए हैं। 43 नहीं नहीं कटिया डीएम कुर्सेला में। आप अभी डीएम से बात करिए कि सर का फोन आया था कम्युनिटी किचन कुर्सेला में चल रहा है, यहाँ क्यों नहीं चल रहा है? हेलो, फोन क्यों नहीं उठाते हो इन लोग का? आप चार दिन से लाइन क्यों नहीं है? अभी चालू हुआ, अभी बोले तो अभी चालू हुआ। चार दिन से तुम क्या के बीबी के पास सोए हुए थे क्या? कहा चार दिन से गाज गिर गया था, अभी बोले तो कहने की चालू हो गया, अभी तुरंत चालू हुआ तो एसी को बोलने के बाद चालू होता है। आपकी जिम्मेदारी क्या है? आइए नंदगोला और इधर क्या कहते हैं डुमरी तरफ, हम कुछ नहीं जानते हैं। डुमरी नंदगोला की बात बताइए, कितना देर के अंदर बिजली दोगे वहां हमको? आप हमको बताइए। आप देखो तो लाइन है, तूफान था सुबह, नहीं जाने की स्थिति थी। हमारे लोगों ने मना कर दिया, नौ वाले ने मना कर दिया कि तूफान की स्थिति। हमने कहा मुझे जाना, हर परिस्थिति में जाना, कौन आ रहे हैं कौन जा रहे हैं, हम अपनी जनता को कैसे छोड़ देंगे भगवान भरोसे या इस मुख्यमंत्री के भरोसे या सरकार के भरोसे? सरकार के भरोसे जनता को नहीं छोड़ी जा सकती है। इसीलिए हम बिजली पर गंभीर हमारी चिंता है कि बारिश में तुरंत बिजली गायब हो जाती है और पांच दिन तक बिजली नहीं फिर रहती है और कोई एसडीओ और ओवरसियर सुनने वाला नहीं होता, इस पर भी हमारी गंभीरता है। तो हमने कहा कि पैकेटिंग करिए और एक एक सप्ताह का खाना दीजिए और इस इलाके को सबसे पहले आप पन्नी के साथ आप ब्लोचिंग और चारा की व्यवस्था करिए और बाढ़ प्रभावित क्षेत्र की घोषणा करिए। वही जिला पदाधिकारी है, जिला प्रशासन के द्वारा कहीं कुछ नहीं है, 0/0 अफसड्डी है। देखिए, हम पहले भी कहे कि मुख्यमंत्री जी को कार्यक्रम के पहले भागलपुर, मुंगेर, लखीसराय, मनिहारी, बड़ारी, कुर्सेला, बायसी, रुपौली, ये जो इलाका है जो कंप्लीट बाढ़ प्रभावित ही नहीं है, सब कुछ बर्बाद हो गया, कुछ भी नहीं बचा। और सालों भर एंट्री रोजन का काम होता है, लूटते हैं नेता पदाधिकारी और उसके बाद फ्लड फाइटिंग में सारा पैसा बर्बाद होता है। तो मुख्यमंत्री जी को चाहिए था कि पहले हर जगह जो बर्बादी हुई है, दूसरी बार ये बाढ़ आया जिसमें बहुत बड़ी क्षति हुई है, एक तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित करना चाहिए। जब बाढ़ पांच दिन पहले से आया, जब मैं लगातार हम बोल रहे थे तो कम्युनिटी किचन चालू करना चाहिए था सर, आज आप लेकिन मेरे सुन कम्युनिटी किचन कल शुरू हुई और वो भी औपचारिकता के लिए। जहां पर कम्युनिटी किचन चालू नहीं हुआ, जहां पर सूखा राशन जाना चाहिए था, आज तक सूखा राशन नहीं है। रुपौली में कोई कम्युनिटी किचन चालू नहीं हुआ,
जिस पैसे पर जनता का अधिकार है वो पैसा दलाल माफिया अपराधी पदाधिकारी अंतरी मंत्री संतरी खा जाते हैं, तो जनता को कहाँ तक पहुँचेगी। जहाँ पर 3500 एक पंचायत में प्रभावित है वहाँ 400 300 200 पैकेट आप लेके जाते हैं, 50 पैकेट लेके जाते हैं वो भी कम होता है, बंदर बांट हो जाता है। तो हम लगातार, अच्छा चारा कहीं नहीं है, आप उठा करके देख लीजिए, जानवर की स्थिति सबसे बुरी है। उसके बाद सांप काटने वाली नहीं है, ब्लीचिंग पाउडर नहीं है, मेडिकल सिस्टम की कोई व्यवस्था नहीं है, पन्नी की कोई व्यवस्था नहीं है। तो आप हालात को देखिएगा ना, सूखा राशन अभी सबसे ज़्यादा काम करेगा और कोई CO फोन उठाने को जनप्रतिनिधि का तैयार नहीं होता है। तो आज कटिहार DM साहब से भी मेरी बातचीत है, कई गाँव में राशन नहीं गया, वहाँ कोई कम्युनिटी किचन हो ही नहीं सकता है। तो बाढ़ की स्थिति बहुत विदारक है, इस क्षेत्र को बाढ़ प्रभावित घोषित अभिलंब मुख्यमंत्री जी को करना चाहिए। हम लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं, जैसे हमने रोका, अभी जो सबसे बड़ा सर्वे दिलीप जी हमारी बात को माने, जब वो मेरे यहाँ आए मैंने कहा कि 50,000 करोड़ बीघा जमीन जो माफिया अपराधी सरकारी जमीन को कब्जा किया हुआ, पहले उसका सर्वे कीजिए। सर्वे आपको अभी रोक करके समय देना चाहिए। तो दिलीप जी को मैं बधाई देता हूँ कि उन्होंने बिहार की जनता की भावनाओं को समझा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।